रहा है, सीधे आपको लिए चलते हैं। तो खिलाड़ियों से लगातार संपर्क करने का कोशिश हम लोग करते रहा। मैं खुद कई ट्रेनिंग सेंटर में जाते थे, खाना पीना से लेकर के ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, कोचिंग, सारा फैसिलिटी, टेक्निकल जितना भी चीज है उसका हम देखते थे, और सहयोग हमारे तरफ से जो भी हो सकते थे हम करते थे। कोई पैसे का कमी से खेल बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो लेने से लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग खेल में जुड़े रहे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रेसिडेंट ने जो कहा कि जो हमारे लीग होते हैं, जो डोमेस्टिक लीग होते हैं, वो जब तक सक्सेस नहीं होगा तो पूर्ण रूप से खेल जीवित नहीं हो सकता है। क्योंकि खिलाड़ी अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के हॉस्टल जाते हैं, खेलते हैं, समय पूरा जीवन दे देते हैं, और अगर उसको कॉमर्शियल वैल्यू नहीं मिलेंगे उस खेल से, इज्जत के साथ साथ अपने लिए, परिवार के लिए उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर आने वाला पीढ़ी खेल में रुचि नहीं रखेंगे। ये बहुत सरल सी बात है और सबको समझना पड़ेगा। हमने रिक्वेस्ट, और खिलाड़ी जब रिटायरमेंट होते तो उसके बाद नहीं खेलता है, लेकिन खेल से जुड़े रहेंगे, मैनेजमेंट में, कोचिंग में, ट्रेनिंग में, कंसल्टेंट के रूप में, और किसी ना किसी क्लब के साथ जुड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ा दुनिया है। खेल 11 लोग प्लेयर में, प्लेयर जो है फील्ड में उतरते हैं, लेकिन लाखों लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उसका लाभ मिलते हैं बाहर। तो ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा ये एक सोर्स बनता है खेल। तो ये सारा इस दृष्टि से लेते हुए हम लोग सरकार के तरफ से, प्रधानमंत्री जी पूरे लगे हुए हैं। मैं तो सारा खिलाड़ियों को खेल, जो फेडरेशन खिलाड़ी मुझे मिलता है तो मैं मदद जरूर करता हूँ। मेरे पास इतना समय पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हम जरूर मिले। तो ये इसलिए कि हम लोग अगर साथ नहीं देंगे खिलाड़ी को तो फिर खिलाड़ी कहाँ जाएंगे। तो हम लोग सबको मिलकर के खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा करना है। मैं तो हर खेल को पसंद करता हूँ, हॉकी तो है ही सबसे एकदम फेवरेट में से हॉकी है। उसके साथ साथ मैं बचपन में फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। वॉलीबॉल तो बाद में, मेरा हाइट छोटा है इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में बचपन में तो आपको मालूम नहीं, कोई साइंटिफिक रिसर्च तो किया नहीं, ऐसे ही खेलते थे। अब मेरे जैसे आदमी शॉट पुट फेंकेगा तो जितना भी ट्रेनिंग करो कुछ होगा नहीं। तो एक लेवल होता है साइंटिफिक तरीके से, कौन किस खेल के लिए फिट होता है। तो ये सब चीज बचपन में ही फैसिलिटी के रूप में आना चाहिए। हम लोगों ने खेलो इंडिया जूनियर शुरू करवाया, अब जूनियर लेवल में टूर्नामेंट होता है, तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन काफी अर्ली एज में हो जाता है। तो इस तरीके से हम तो शायद हॉकी प्लेयर बन सकता था होगा, मेरा मेरा किस्मत में ही ठीक नहीं है लगता है। हम लोग वहाँ स्कूल में हॉकी खेल रहे थे, गरम गरम जोश में इतना लड़ाई हो गया हॉकी स्टिक्स के साथ, पूरा हॉकी बैंड हो गया 10 साल, और मेरा भी उम्र निकल गया। अदरवाइज तो मैं तो बहुत हॉकी स्टिक के साथ सोता था बचपन में, और ग्राउंड फील्ड में खेलते थे वो ग्रास में। तो बाद में झगड़ा हो गया, हॉकी बैन हो गया, तो हॉकी का खेलने का नसीब नहीं हुआ मेरा। लेकिन हॉकी देखने वाले हैं, उस अवार्ड क्या है, अवार्ड में क्या कैश है वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस अवार्ड के पीछे जो इज्जत है, और उस अवार्ड प्राप्त करने के लिए जो मेहनत आपने, खून पसीना जो बहाया है, उसके लिए जितना खिलाड़ी या जो मैनेजमेंट, जो भी अवार्ड विनर्स हैं, सबको मैं एडवांस में अभिनंदन करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ। और साथ में भविष्य में, जैसा अभी बताया, अभी जो प्रो लीग चल रहा है, तो इतना दुनिया के टॉप 3 की जो पेरिस के ओलंपिक्स में हमारा महिला और पुरुष बड़ा जोरदार से फिर अपना दावेदारी ठोकेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और आगे तो हॉकी इंडिया का पांचवा